सेवा संस्था नेनवा रोड बूंदी में दलदल में फंसे युवक व युवती शादी करवा के पार्षद टिकम जैन ने पुण्य का काम किया। बूंदी जिले के शंकरपुरा ग्राम के आकाश कंजर व रानी ने पार्षद टिकम जैन से संपर्क करके दोनों ने शादी करने की इच्छा जाहिर की, जिस पर पार्षद टिकम जैन ने दोनों को आश्वासन देकर शादी करवाने का भरोसा दिलाया। उसके बाद टीकम जैन ने जिला कलेक्टर से दोनों की शादी करवाने की इजाजत लेकर महिला एवं बाल कल्याण समिति एवं स्वयं के द्वारा बालिका दिवस के दिन सुदामा सेवा संस्था में हिंदू रीति रिवाज व शास्त्र के अनुसार शादी करवाई, जिसमें जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा, सभापति मधु नुवार, सतीश शर्मा तथा बड़ी संख्या में समाज सेवी एवं पार्षदगण मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने कन्यादान के रूप में कुछ न कुछ देकर वर वधु को आशीर्वाद दिया एवं रानी और आकाश ने दलदल से निकलकर एक आम नागरिक के रूप में अपना जीवन व्यापन करने की शुरुआत की एवं कहा कि टीकम जी के प्रेरणा से हमने यह शादी की एवं समाज में इस दलदल में फंसे युवक युवतियों को हम यह संदेश देकर दलदल से निकलकर हमारी तरह शादी करके अपने जीवन की नई शुरुआत करें। दिवस पर जो बाल संरक्षण कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों ने ये साहसिक कदम उठाया है और शंकरपुर के इस गांव से इस बालिका को लाकर और यहां शादी करी है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। हम चाहेंगे कि अन्य बालिकाओं के साथ भी हम न्याय कर सकें और उनको भी सामान्य जिंदगी जीने के लिए हम उनको शादी के बंधन में या उनको हम जीविका उपार्जन के नए साधन दिला सकें, तो हम समाज में एक बड़ा योगदान दे पाए। बालिका दिवस है मैम, इनके भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? बालिका दिवस है तो बालिका जो है उनका समाज के निर्माण में बेहद बड़ा योगदान होता है, क्यों परिवार को वही पालन पोषण करती हैं, वही संस्कार देती हैं। अगर बालिका पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने जो परिवार है उसको संस्कार दे पाएंगी, उनका भविष्य उज्जवल कर पाएंगी और एक देश में एक नई पीढ़ी को
जन्म देंगी और नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाएगी, देश उस प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। आज यहाँ पे एक हमारे बाल निवास की तरफ से हमारी शादी की हुई है। बड़े बड़े सर हमारे अधिकारियों के आए और हमको बहुत आशीर्वाद भी दिया, शादी करवाए और हमको बहुत अच्छा लगा। जो बाल निवास की तरफ से हम वेरी वेरी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, हमारी एक शादी करवाई, हमारे बहुत अच्छा लगा। सबने मुझे आशीर्वाद दिया यहाँ पे आके और बाल निवास की तरफ से सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन लोगों ने किया मुझे और सब आए मेरी शादी में, उसके लिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं शंकरपुरा की रहने वाली हूँ। इस शादी से बराबर खुश हो आप? हाँ, मैं ये शादी की मैं बहुत खुश हूँ और मुझे सबने आशीर्वाद दिया इसके लिए। और आज आप आपके समाज में ये भी संदेश देंगे कि और भी इस तरीके से शादियाँ करें? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर नगर परिषद बूंदी, बाल कल्याण समिति बूंदी, जिला प्रशासन बूंदी, सुदामा सेवा संस्थान और भाई टीकम जी जैन पार्षद के संयुक्त प्रयासों से इस जोड़े को एक नया जीवन जीने का अवसर दिया। ये महिला अनैतिक कार्यों में उलझ गई थी और परेशान थी, इन्होंने स्वयं ने यह फैसला किया कि मुझे एक वैवाहिक जीवन जी करके मेरा आगे का जीवन ठीक प्रकार से गुजरना है। तो इन सब लोगों के सहयोग से आज इन दोनों का विवाह करवा करके उनको सफलता के साथ दाम्पत्य जीवन वो जाए और जिस गलत रास्ते पर वो चल गई थी उससे मुक्ति हो, ये समाज के लिए भी एक अनुकरणीय है और उस परिवार के लिए भी जिन्होंने ये फैसला किया उनके लिए भी अनुकरणीय है। मैं सभी आयोजकों को, सहयोग करने वालों को बधाई। मैडम, आज जो सुदामा सेवा संस्थान के अंदर ये जो शादी का आयोजन हुआ है, एक कंजर बालिका और बालक की, जो आप द्वारा और आपके संस्थान और जो भी सहयोगी हरिमोहन जी, टीकम जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत ही सराहनीय कार्य है, इसमें सीमा पोदार का भी बहुत सहयोग रहा है, उन्होंने पूरी हिम्मत से, और उसमें सबसे बड़ा सहयोग तो इस लड़की का रहा है जिसने कि बड़ी हिम्मत दिखाई है, इस जो कि 9 साल की थी जब से इस कार्य में लगी हुई थी और इसने अपने जीवन को इस नरक से मुक्त करने के लिए इसने जो प्रयास किया है, सबसे पहले तो कोई लड़की आगे आएगी तभी हम इस काम को कुछ कर सकें, ये आगे आई और ये कार्य सफल हो सका, इस लड़के ने भी हिम्मत दिखाई, तो मैं इसको भी साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। और टीकम जी ने जो इस कार्य के लिए पूरी मेहनत करी है, जो इस शादी का पूरा करा और सबको इकट्ठा करना, एक आदमी खड़ा होता है और उसके साथ फिर सब लगते हैं जब काम पूरा होता है, तो टीकम जी इसमें आ गया है और उनके साथ अनेक सहयोगी आ गया है, नगर परिषद की तरफ से भी सब यहाँ पर सिलाई मशीन मैंने और नाश्ता पानी नगर परिषद की तरफ से हुआ है, तो कई व्यक्तियों ने अनेक दान दिया है यहाँ पर और पूरा एक तरह से एक दहेज तैयार हो गया, तो दाना दाना चुन चुन कर वृक्ष बन जाता है, तो इस तरह से सारे लोगों की मेहनत से और उसमें जो टीकम जी आ गया है तो इससे ये सफल शादी का आयोजन हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि अनेक लड़कियाँ और अनेक इसमें फंसी हुई हैं और आगे वो भी अगर अपना उद्देश्य अपना नया जीवन शुरू करने के लिए आगे आएँ तो सब समाज और प्रशासन उसके लिए तैयार है, आगे उनके लिए भी कुछ करेंगे। अभी कलेक्टर साहब ये बोल के गए हैं कि जल्दी ही इस कार्य को अपन कुछ करेंगे ताकि उन लड़कियों को भी इससे मुक्त करा सकें। हमने जो इतना सराहनीय काम किया है इस पर सबसे ज़्यादा चर्चा आप ही की हो रही है, तो क्या आप इस बारे में कुछ दो शब्द? चर्चा तो मैं बताऊं आपको कि मैंने पहले भी लगभग
20 22 शादी मैं करवा चुका हूँ और इनके हर शादी में मेरा कहीं ना कहीं सहयोग रहता है। पहली शादी हमने 15 अगस्त को करवाई थी, रूबी नाम था उस लड़की का। हमने ये सोचकर वो मेरे पास आई थी कि कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिलेगी, और उसको हमने 15 अगस्त को दलदल से निकाल करके और आज़ाद करवाया। इसी पहल को लेकर के हम शुरू से चलते आ रहे हैं। अभी भी जो ये रानी है, पिछले 12 वर्षों से देह व्यापार से जुड़ी हुई थी। कई बार इसने निकलने का प्रयास किया वहाँ से, बाकी ये आकाश नेस्ट को निकाला, और निकाल करके जब इन लोग ये यहाँ पर आए तो इनको इनकी फैमिली ने वापस उसी धंधे में धकेलने के लिए वापस प्रयासरत कर दिया। इनकी कई तरह की समस्याएं सामने आई, इनके नाबालिग सर्टिफिकेट बन गए, उसके बावजूद फिर बाल कल्याण समिति ने बीच में इनको इंटरेस्ट लेकर के काम किया और राजस्थान पत्रिका ने पहल की, और उसी के साथ हम लोग जुड़ करके आज इनको मुख्यधारा में, समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया। और सभी लोगों का सहयोग सराहनीय रहा, सभी ने अपने अपने हिसाब से इनको दहेज में सामान दिए, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, सबका अरेंजमेंट अच्छा रहा। मैं सभी को बधाई देता हूँ। सब में इनकी आगे भी भविष्य में किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो हम इनके लिए 24 घंटे खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रीय बालिका दिवस के ऊपर CWC का ये सराहनीय कार्य है। जब तक हम बच्चियों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे, तब तक कोई भी किया गया कार्य अधूरा रहेगा। कार्य सार्थक तभी होगा जब बच्चियों को वो अनुचित मार्ग से हटाकर, या यूँ कहो दलदल से हटाकर, हम उनको समाज की मुख्य धारा में लाएँ, मुख्य धारा में जोड़ें। और इसी कड़ी में इस बालिका को समाज की मुख्य धारा में लाने का जो आज सराहनीय कार्य हुआ है, इसके लिए मैं CWC और समस्त संस्थाएं जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है, सबको धन्यवाद देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी बच्चियों के पुनर्वास के ये मुहिम यूं ही जारी रहेगी। चाहते हैं कि एक माइलस्टोन साबित हो, और बच्चियाँ अगर इस तरह की भी चाहती हैं कि इस फील्ड से बाहर निकलने के लिए, तो हम लोग उनकी मदद करते रहें और वो हमारे पास आए, और इसीलिए हमें समाज को ये हमने मैसेज दिया।
आनंद सेल्स जो लाए हैं बूंदी में सभी प्रकार की साइकिल व इलेक्ट्रिक ई बाइक साइकिलें जो चले पैडल व बैटरी से, वो भी 7 पैसे पर किलोमीटर व लो मेंटेनेंस और प्रदूषण रहित। आनंद सेल्स कुड़ोस स्कूल के पास नैनवा रोड बूंदी। दर्शन जो है आपका अपना।